नमस्कार, एटॉमिक स्ट्रक्चर के लेक्चर नंबर 7 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, परमाणु कक्षक और उनके आकार। एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? देखो, जो क्वांटम मैकेनिक्स के जो प्रिंसिपल थे उनके द्वारा हमें यह पता चल सका है कि जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स हैं वह नोड के अतिरिक्त सभी स्थान पर पाए जाते हैं। क्लियर? तो द एरिया ऑफ थ्री डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर देयर इज मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन ऑफ ए पार्टिकुलर एनर्जी इज कॉल्ड एज एन ऑर्बिटल। क्लियर? तो ऑर्बिटल क्या होता है? नाभिक के चारों ओर त्रिविम में वह स्थान जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है उसको क्या बोला जाता है? एटॉमिक ऑर्बिटल। क्लियर? पूर्व में कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन की जो स्थिति थी उसको बताने के लिए ऑर्बिट पद काम में लिया जाता था, जो कि बोर मॉडल ने दिया था। ठीक है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन का जो नए स्वरूप है उसको दर्शाने के लिए, उसकी स्थिति बताने के लिए ऑर्बिट के स्थान पर क्या काम लिया जाता है? कक्षक काम में लिया जाता है। एंड ऑर्बिटल इन द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल बियर्स नो रिजेंबलेंस टू एन ऑर्बिट इन द बोर मॉडल। एन ऑर्बिट इज एन इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअल पाथ अराउंड एंड द न्यूक्लियस वेयर एज एन ऑर्बिटल इज ए मैथमेटिकल फंक्शन दैट डिस्क्राइब्स द इलेक्ट्रॉन्स मैटर वेव्स वट हैज नो फिजिकल मीनिंग। देखो, ऑर्बिट और ऑर्बिटल में कोई रिजेंबलेंस नहीं है। ऑर्बिट तो क्या होता था? नाभिक के चारों ओर एक निश्चित पथ होता था जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते थे। लेकिन ऑर्बिटल क्या है? ऑर्बिटल एक मैथमेटिकल फंक्शन है जो कि इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड जो मैटर वेव्स हैं उसको डिस्क्राइब करता है। इसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं होती है। परमाणु कक्षकों की कुछ विशेषताएँ होती है, जैसे सबसे फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन नाभिक से अनंत तक सभी स्थानों पर पाया जा सकता है। लेकिन कहाँ पर पाया नहीं जा सकता? नोड पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। दूसरी जो विशेषता है वह है कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सभी स्थानों पर समान नहीं होती है। कहीं पर संभावना अधिक तो कहीं पर कम पाई जाती है। ठीक है, तीसरी जो विशेषताएँ ऑर्बिटल्स की वह यह है कि जो अधिकांश ऑर्बिटल्स होते हैं वो डायरेक्शनल होते हैं, दिशात्मक होते हैं, अर्थात उनके इलेक्ट्रॉन किसी विशेष दिशाओं में ही पाए जाते हैं। एक जो ऑर्बिटल होता है वह एन, एल तथा एम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजो मिथाइल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स द्वारा निर्धारित होता है। हम पहले पढ़ चुके हैं क्वांटम नंबर्स में कि इलेक्ट्रॉन्स के लिए 4 क्वांटम नंबर चाहिए और ऑर्बिटल के लिए 3 क्वांटम नंबर चाहिए। तो इस प्रकार जो एन, एल तथा जो एम है उनके भिन्न भिन्न सेट भिन्न भिन्न कक्षकों को बतलाते हैं। एल के मान द्वारा कक्षकों की दिशात्मकता का पता चलता है। अगर एल का मान 0 है तो कक्षक गोलाकार होते हैं, एल का मान 1 है तो कक्षक पी होगा और डंबल जैसी शेप होगी उसकी। अगर एल बराबर 2 है तो कक्षक कौन सा होता है? डी, और वो होता है डबल डंबल शेप। ठीक है, लंबवत दो डंबलों जैसी उसकी आकृति होती है। और अगर एल का मान 3 है तो कक्षक कौन सा होगा? एफ, और वो कौन सा उसकी जो आकृति होगी कौन सी होगी? जटिल होगी। क्लियर? इस प्रकार हम एल और एम और एन के द्वारा भिन्न भिन्न कक्षकों को बताते हैं। अब जो कक्षकों के जो एस, पी, डी और एफ ये जो नाम है वो स्पेक्ट्रम की मेन लाइंस के नाम, जैसे सार्फ, एस फॉर सार्फ, पी फॉर प्रिंसिपल, डी फॉर डिफ्यूज और एफ फॉर फंडामेंटल के प्रथम अक्षर से दिए गए हैं। ठीक है, तथा जी तथा जो उसके बाद के जो ऑर्बिटल्स के नाम है वो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में दिया गया है। क्लियर? तो प्रत्येक कक्षक से एक ऊर्जा स्तर जुड़ा होता है। ध्यान रखना है कि प्रत्येक ऑर्बिटल से क्या जुड़ा होता है? एक एनर्जी लेवल
जुड़ा होता है और एक ही प्रकार के कक्षकों की ऊर्जा एम के बढ़ने के साथ बढ़ती है, जैसे कि एस कक्षकों की ऊर्जा इस क्रम में बढ़ती है, जैसे 1s, फिर 2s, फिर 3s, यानी जैसे जैसे एन का मान बढ़ता जाएगा एनर्जी का मान भी बढ़ता जाता है। और बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणुओं में एन के किसी विशेष मान के लिए कक्षकों की ऊर्जा एल का मान बढ़ने के साथ बढ़ती है। क्लियर? अगर एन का मान तो सेम है लेकिन एल का मान अलग अलग है, जैसे 4s हो गया, 4p हो गया, 4d हो गया, 4f हो गया, अगर हमें इनमें कक्षकों की एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर देखना है तो देखो एन का मान तो सेम है। अब यहाँ पर आप देखो एल, जिसके लिए एल का मान सबसे ज़्यादा होता है उसकी कक्षक की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, तो 4f सबसे ज़्यादा, क्योंकि एस के लिए एल का मान 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 है ना। तो इस प्रकार से हम कक्षकों से जो एनर्जी है उनका एनर्जी ऑर्डर निकाल सकते हैं। ये तो बात होगी अपने कक्षकों की कुछ विशेषताओं की। अब जो अगला पॉइंट है वो अपना है द प्रोबेबल लोकेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। क्लियर? यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो संभावित स्थान है उसको कैसे आइडेंटिफाई करें, क्योंकि देखो हम एग्जैक्टली ये नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, लेकिन हम ये जान सकते हैं कि उसकी संभावना कहाँ पर है पाए जाने की, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कहाँ पर, यानी कि इलेक्ट्रॉन ने अपना मैक्सिमम टाइम कहाँ पर स्पेंड किया है। और ये हम कैसे पता लगा सकते हैं, जो वेव फंक्शन है उसका स्क्वायर करके, साई स्क्वायर हम पढ़ चुके हैं सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर में, कि जो साई का तो कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है लेकिन साई स्क्वायर जिसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, या किसी वॉल्यूम एटम के किसी वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को बताता है। तो इसके द्वारा हम इलेक्ट्रॉन के किसी स्थान पर पाए जाने की उसकी संभावना को बताते हैं। अब वी डिफेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स प्रोबेबल लोकेशन इन सेवरल वेज विच वी लुक एट द फर्स्ट फॉर द हाइड्रोजन एटम्स ग्राउंड स्टेट। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन के जो पाए जाने की जो संभावना है उसको हम कई वेज में दर्शा सकते हैं। जैसे हम उदाहरण लेते हैं हाइड्रोजन की जो ग्राउंड स्टेट में, सबसे पहले जो पॉइंट है वह है प्रोबेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीइंग इन सम टिनी वॉल्यूम ऑफ द एटम। ठीक है, एटम के किसी स्मॉल वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना। सेकंड पॉइंट है टोटल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से कुछ दूरी पर टोटल इलेक्ट्रॉन घनत्व, वो टोटल प्रोबेबिलिटी घनत्व। और थर्ड है प्रोबेबिलिटी कॉन्टोर एट द एंड द साइज ऑफ द एटम। ठीक है, संभावना का आकार और एटम का आकार। ये अब इसको हम ग्राफ्स के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला है अपना प्रोबेबिलिटी एट द इलेक्ट्रॉन्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीइंग इन सम टिनी वॉल्यूम ऑफ द एटम। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डायग्राम का क्रिएट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी डायग्राम या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं, जिसमें जो गिवन वॉल्यूम है उसमें जो साइज स्क्वायर है उसको डॉट के द्वारा दिखाया गया है। किसके द्वारा दिखाया गया, ये जो डॉट डॉट है वह है साई स्क्वायर को बताते हैं। तो किसी भी वॉल्यूम में डॉट्स को हम काउंट करके यानी कि उसकी डेंसिटी को हम दिखा सकते हैं। क्लियर? यानी कि जितने ज़्यादा डॉट्स की डेंसिटी होगी वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना भी उतनी ही ज़्यादा होगी। क्लियर? तो यहाँ पर इसके लिए एक ग्राफ और है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी साई स्क्वायर और आर के बीच में ग्राफ खींचा गया है। तो यहाँ पर आप देखो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है न्यूक्लियस से, ये न्यूक्लियस है अपना, यहाँ से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी डिक्रीज होती जाती है, लेकिन शून्य नहीं होती है, ध्यान रखना। देखो यहाँ पर क्यों आपको टच होती हुई दिखेगी, लेकिन जब इसका हम यहाँ से हम देखते हैं जूम करके तो आप देखो कि यहाँ पर जो लाइन है वह टच नहीं हो रही है, अनंत तक जा रही है,
यानी कि शून्य नहीं होती है। दूरी बढ़ने के साथ में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो शून्य नहीं होती है, लेकिन कम होती चली जाती है। अब जो दूसरा अपना पॉइंट था वह था अपना टोटल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से कुछ दूरी पर टोटल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि नाभिक के चारों तरफ, जैसे ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ जो वॉल्यूम होता है उसको हम थिन कंसेंट्रिक एंड स्फेरिकल लेयर्स, जैसे प्याज में जो लेयर्स होती है उसकी तरह हम डिवाइड कर देते हैं। फिर प्रत्येक लेयर्स में जो साइज स्क्वायर है, क्लियर, साइज स्क्वायर को हम डॉट के द्वारा दिखाया गया, तो प्रत्येक लेयर में उपस्थित डॉट्स को काउंट करते हैं जिसके द्वारा हमें उस लेयर में, उस पार्टिकुलर जो वॉल्यूम है उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की टोटल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का पता लगता है। ठीक है, यहाँ पर डी में आप देखो रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और डिस्टेंस आर के बीच में ग्राफ खींचा गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखो कि जो टोटल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वह नाभिक के पास में अधिकतम होती है, लेकिन नाभिक पर अधिकतम नहीं होती। ध्यान रखना ये, देखो नाभिक से थोड़े से दूर बढ़ने पर इसकी अधिकतम होती है, लेकिन नाभिक पर इसकी डेंसिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी नहीं होती है, शून्य होती है। और जैसे नाभिक से दूर बढ़ती जाती है ये कम होती चली जाती है। क्लियर। और थर्ड पॉइंट था अपना टोटल, सॉरी, प्रोबेबिलिटी कॉन्टोर एंड द साइज ऑफ द एटम। तो देखो क्वेश्चन ये होता है कि नाभिक के बाहर यानी नाभिक से जैसे जैसे दूर हम जाते जाते हैं तो वहाँ कहाँ तक इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना है। क्लियर, जो कि जो हमने जो बी ग्राफ देखा है तो हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन के पास, ये वाला कि इलेक्ट्रॉन नाभिक से जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है इलेक्ट्रॉन, सॉरी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मान, साइज स्क्वायर का मान कम होता जाता है लेकिन शून्य नहीं होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन यही उठता है कि नाभिक के बाहर जैसे जैसे दूर जाते जाते हैं तो कहाँ तक इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना है, क्योंकि शून्य तो हो नहीं रहा। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें कि हाइड्रोजन एटम है उसका आकार कितना बड़ा होगा, कितना होगा, तो इसके लिए क्या करते हैं कि हम जो प्रोबेबिलिटी काउंटर है उसको 90% तक विजुलाइज करते हैं। ठीक है, वी कैन विजुलाइज एन एटम विद 90% प्रोबेबिलिटी काउंटर, किसी भी एटम को हम 90% प्रोबेबिलिटी काउंटर के रूप में विजुलाइज करते हैं। वेयर इलेक्ट्रॉन इज समवेयर विद इन दैट वॉल्यूम 90% ऑफ द टाइम। ठीक, शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, कक्षकों की आकृति, कक्षों की आकृति, परमाणु कक्षक की, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की दिशात्मक विशेषता, नोड की स्थिति तथा स्वरूप व इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी द्वारा कक्षकों की आकृति व आकार निर्धारित होते हैं। क्लियर। अब चूंकि जो ऑर्बिटल्स का जो आकार है वो रेडियल वेव फंक्शन तथा एंगुलर वेव फंक्शन पर निर्भर करता है, और कक्षकों की जो आकृति है उसके लिए मुख्यतः एंगुलर वेव फंक्शन के वर्ग से प्राप्त इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी का इलेक्ट्रॉनों की जो पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है का इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी के प्रति जो प्लॉट खींचा जाता है उसका उपयोग किया जाता है। क्लियर। तो एस कक्षक जिसके लिए एल की वैल्यू 0 होती है, इनके जो रेडियल वेव फंक्शन है केवल आर पर आधारित होता है, थीटा और फाई पर निर्भर नहीं करता है। तो इसका परिणाम यह होता है कि जो इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व है सभी दिशाओं में समान रूप से परिवर्तित होता है, परिणाम स्वरूप जो एस कक्षक है वह गोलाकार और दिशाविहीन होते हैं। एस ऑर्बिटल्स, एन ऑर्बिटल विद एल बराबर 0 है स्पेरिकल शेप, ऑर्बिटल के जो आकार आकृति और कैसे होती है गोलाकार स्पेरिकल शेप होती है, विद द न्यूक्लियस एट इट्स सेंटर एंड इज कॉल्ड एन एस ऑर्बिटल। बिकॉज ए स्पेयर हैज ओनली वन ओरिएंटेशन एंड एस ऑर्बिटल हैज ओनली 1 ml वैल्यू। ठीक है, तो एस ऑर्बिटल्स के लिए जो ml वैल्यू एक ही होती है वो क्या होती है 0, और ये एस ऑर्बिटल की शेप है स्फेरिकल शेप होती है।
यहाँ पर कुछ प्लॉट्स हैं जो एस ऑर्बिटल्स, 1s, 2s और 3s ऑर्बिटल्स के बारे में जानकारी देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो 1s ऑर्बिटल हॉर्स द इलेक्ट्रॉन के पहला जो प्लॉट्स हैं, ये जो रिलीफ मैप है सेकंड फर्स्ट वाला, ये जो है ये है क्वार्टर सेक्शन ऑफ ए थ्री डायमेंशनल इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिपिक्शन। ठीक है, तो द 1s ऑर्बिटल हॉल्स द इलेक्ट्रॉन, 1s ऑर्बिटल्स हॉल्स द इलेक्ट्रॉन्स इन द हाइड्रोजन एटम्स ग्राउंड स्टेट, द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज हाइएस्ट एट द न्यूक्लियस। यहाँ पर देखो जो इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है नाभिक के पास में, यहाँ पर न्यूक्लियस पर हाइएस्ट होती है। क्लियर? तो यहाँ पर जो एक ये थ्री डायमेंशनल जो क्वार्टर सेक्शन का थ्री डायमेंशनल इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिपिक्शन है, वहाँ पर आप देख सकते हो कि जो न्यूक्लियस पर है वो सा ये डार्केस्ट शेड दिखाई दिए। ठीक है, डार्केस्ट शेडिंग एट द न्यूक्लियस, जो कि क्या दिखाती है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है। अब 2s जो ऑर्बिटल है उसके लिए दो रीजन है हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के, देख सकते हो ग्राफ में भी देख सकते हो। यहाँ पर तो केवल एक ही था 1s ऑर्बिटल में, जहाँ पर जो रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो मैक्सिमम है जो नाभिक के निकट है, लेकिन 2s ऑर्बिटल्स के लिए यहाँ पर दो फ्लॉट्स पड़ चुके हैं। पहले दो हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के शिखर समय प्राप्त होते हैं, और जैसे जैसे जो दूरी बढ़ती है तो जो दूसरा वाला जो ये शिखर है वो अधिकतम ऊंचाई पर होता है। ठीक है, अधिक ऊंचा होता है फर्स्ट वाले से, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो भी ज़्यादा है। क्लियर? तो यहाँ भी आप इस 3D सेक्शन में देख सकते हो, यहाँ पर देखो ये तो न्यूक्लियस के पास में डार्केस्ट शेड है, यहाँ पर फिर कुछ भी नहीं है, जहाँ पर ब्लैंक है बिल्कुल, तो इसको बोलते हैं नोड, और फिर यहाँ पर थोड़ा सा डार्क है, और जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है तो उसकी डार्कनेस कम होती जा रही है। क्लियर? यहाँ पर इस ग्राफ में देखो कि यहाँ पर दो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व से, जबकि बीच में जहाँ पर प्रोबेबिलिटी शून्य है वह किसको दिखाती है? नोड को। क्लियर? इसी प्रकार 3s ऑर्बिटल में आप देखो कि यहाँ तीन मैक्सिमम कर्व आ रहे हैं ऊपर ऊंचाई वाले, जिसमें जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है तो उसकी जो ऊंचाई है वह पहले वाले से क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है, और यहाँ पर जो वॉल्यूम है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का वो भी इंक्रीज हो रहा है। इसको भी हम इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं, ऊपर वाले से थ्री डायमेंशनल जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिफ्रेक्शन है, वहाँ भी आप देखो कि यहाँ दो नोड दिखाई दे रही है, जहाँ पर ब्लैंक है बिल्कुल, व्हाइट लाइन जो व्हाइट लाइन दिखाई दी है, यहाँ पर सेंटर में डार्केस्ट शेड है, फिर यहाँ पर डार्केस्ट, और यहाँ पर जैसे जैसे दूर बढ़ती जाती है फिर वो कम होता चला जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डाइग्राम और जो नाभिक से जो डिस्टेंस है आर, उसके बीच में फ्लोट्स के द्वारा हम इसको समझ सकते हैं। अब बात करते हैं पी ऑर्बिटल की। एन ऑर्बिटल विद एल बराबर 1 इज कॉल्ड ए पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल्स के लिए एक एल का मान क्या होता है? एज्यूम था क्वांटम नंबर का मान 1 होता है, एंड हैज टू रीजन्स, यानी दो लोब्स होती है जो हायर प्रोबेबिलिटी को दिखाती है, वन एंड वन ऑन आइदर साइड ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, द न्यूक्लियस लाइज एट द नोडल प्लेन ऑफ दिस डम्बल शेप ऑर्बिटल, सिंस द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एल इज एन माइनस वन, ओनली लेवल्स विद एन बराबर 2 और हायर हैव ए पी ऑर्बिटल, द लोवेस्ट एनर्जी पी ऑर्बिटल इज द 2p ऑर्बिटल, 1p ऑर्बिटल कंसिस्ट ऑफ टू लोब्स एंड द इलेक्ट्रॉन स्पेंड्स इक्वल टाइम इन बोथ। क्लियर? सिमिलर टू द पैटर्न फॉर s ऑर्बिटल, ए 3p ऑर्बिटल इज लार्जर देन ए 2p एंड 4p इज लार्जर देन ए 3p। देखो हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो 1s ऑर्बिटल से लार्जर कौन होता है? 2s ऑर्बिटल, 2s से 3s ऑर्बिटल। ठीक है, इसी प्रकार 2p ऑर्बिटल से लार्जर कौन होगा? 3p, और 3p से लार्जर कौन होगा? 4p ऑर्बिटल होता है। और यहाँ पर जो नोड्स निकालने का हम फुल फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, एन माइनस एल माइनस वन, तो p ऑर्बिटल्स के लिए एन माइनस टू नोड्स होती है। ठीक है, तो 3p ऑर्बिटल्स में कितनी नोड होगी? 1 नोड होगी। 2p में कितनी होगी? 0। 4p में 2 नोड्स होगी, जैसे हमने s ऑर्बिटल्स में अभी देखा। द 3 पॉसिबल ml वैल्यूज p ऑर्बिटल्स के लिए, अब चूंकि p ऑर्बिटल्स के लिए देखो l बराबर होता है 1, और ml वैल्यूज हम जानते हैं कि 2l प्लस 1,
इससे जब निकालते हैं तो पी ऑर्बिटल्स के लिए 3 ml वैल्यू जाती है, -1, 0 और रिपर और 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर ओरिएंटेशन, जो कि 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर ओरिएंटेशन को दिखाती है, क्योंकि दो लॉब्स हैं ये, अगर एक एक्सिस पे होगी तो इसके परपेंडिकुलर एक वाई एक्सिस पे होगी और एक जेड एक्सिस पे इनकी लॉब्स होगी, जो कि दैट इज वाइल आइडेंटिकल इन साइज शेप एंड एनर्जी दैट 3 पी ऑर्बिटल डिफर इन ओरिएंटेशन। ठीक है, तो साइज शेप और एनर्जी में सेम होने के बाद में जो भी सेम होते हैं, लेकिन पी ऑर्बिटल्स किस में डिफरेंट होते हैं, ओरिएंटेशन में। क्यों होते हैं? क्योंकि उनका जो एम एल वैल्यूज है वो अलग अलग होती है, क्योंकि एम एल वैल्यूज के द्वारा हम ऑर्बिटल्स की ओरिएंटेशन को बताता है। वी एसोसिएट पी ऑर्बिटल्स विद द एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, द पी एक्स ऑर्बिटल लाइज अलोंग द एक्स एक्सिस, द पी वाई अलोंग द वाई एक्सिस एंड द पी जेड अलोंग द जेड एक्सिस। या आप स्ट्रक्चर देखो इनकी, एक पी एक्स ऑर्बिटल्स में जो लॉब्स होती है वो एक्स एक्सिस के अलोंग होती है, पी वाई में वाई एक्सिस के अलोंग होती है और पी जेड में जेड एक्सिस के अलोंग होती है। और ये जो ग्रे कलर का जो प्लेन है ये नोडल प्लेन को दिखा रहा है। क्लियर? ये क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड एफेक्शन, यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस प्रकार से डायग्राम पी जेड ऑर्बिटल्स का दिखा रखा है। ये जो प्लेन है इन दो लोब्स को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, पी जेड का जो प्लेन है वो एक्स वाई प्लेन में, एक्स और वाई में। ठीक है, ये 3p ऑर्बिटल से एक दूसरे के परपेंडिकुलर दिखा रखा है। यहाँ पर रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ दिखाया गया है, जिसमें एन बराबर टू, यानी 2p ऑर्बिटल्स के लिए, क्योंकि 2p में एक भी नोड नहीं है। तो यहाँ पर जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है, सबसे पहले तो रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हाई पहुँचता है, उसके बाद में धीरे धीरे कम होता जाता है और शून्य की तरफ अग्रसर होता है। अब बात करते हैं डी ऑर्बिटल्स की। एन ऑर्बिटल विद एल बराबर टू इज कॉल्ड ए डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल्स के लिए एल का मान क्या होता है? 2 होता है। देर आर 5 पॉसिबल एम एल वैल्यूज फॉर एल बराबर 2, -2, -1, -1, 0, +1 एंड +2। ठीक है, डी ऑर्बिटल्स के लिए एम एल वैल्यू कितनी होती है? 5 होती है, क्यों? 2l+1 एल बराबर 2, तो उस हिसाब से हम 5 वैल्यूज निकालते हैं, जो कि क्या क्या होती है, -2, -1, 0, +1 एंड +2। तो थस ए डी ऑर्बिटल हैज एनी वन ऑफ द 5 ओरिएंटेशन। ठीक है, तो ए डी ऑर्बिटल किसी भी 5 ओरिएंटेशन में रह सकता है। 4 ऑफ द 5 डी ऑर्बिटल्स हैव 4 लॉब्स, एक कवर लिप शेप विद 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर नोडल प्लेन्स बिटवीन देम एंड द न्यूक्लियस एट द जंक्शन ऑफ द लॉब्स। ठीक है, ये देखो पी ऑर्बिटल में जो जंक्शन था, यहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है और ये लॉब्स अलोंग द एक्सिस होती है। डी ऑर्बिटल में 4 लॉब्स होती है। ठीक है, यानी कि डबल डम्बल शेप होता है और बीच में इनके क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस, सेंटर जो जंक्शन होता है लॉब्स का, वहाँ पर न्यूक्लियस होता है और उनमें 2 नोडल प्लेन होते हैं जो कि एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। देखो डायग्राम, ये डायग्राम देखो, यहाँ पर ये 4 लॉब्स हो गए हैं और इनके बीच में क्या है, न्यूक्लियस है। तो यहाँ पर डी वाई जेड, डी एक्स वाई, डी एक्स जेड। ठीक है, तो यहाँ पर 3 तो सेम तरह के होते हैं, जिनमें जो लॉब्स हैं वह बिटवीन द एक्सिस होती है, जबकि डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में जो लॉब्स है वो अलोंग द एक्सिस होती है। क्लियर? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में एक्स और वाई के अलोंग होती है, स्क्वायर में जेड एक्स के अलोंग होती है। डी वाई जेड में एक्स, सॉरी, वाई और जेड के बीच में लॉब्स पाई जाती है। डी एक्स वाई में एक्स और वाई के बीच में, और डी एक्स जेड में एक्स और जेड के बीच में लॉब्स पाई जाती है। तो 3 ऑफ दिस ऑर्बिटल्स लाइज इन द एक्स वाई एक्स जेड एंड वाई जेड प्लेन्स विद देयर लॉब्स बिटवीन द एक्सिस एंड आर कॉल्ड एज डी एक्स वाई, डी वाई एक्स जेड एंड डी वाई जेड ऑर्बिटल्स। फोर्थ, डी एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑर्बिटल आल्सो लाइज इन द एक्स वाई प्लेन बट इट्स लॉब्स आर अलोंग द एक्सिस। द फिफ्थ डी ऑर्बिटल दैट इज डी जेड स्क्वायर हैज़ 2 मेजर लॉब्स अलोंग द जेड एक्सिस एंड डोनट शेप्स रीजन गिड्स द सेंटर एंड इलेक्ट्रॉन इन द इन अ डी ऑर्बिटल स्पेंड्स इक्वल टाइम इन ऑल ऑफ द लॉब्स। जो कि डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डी ऑर्बिटल में सभी लॉब्स में बराबर टाइम स्पेंड करता है। तो इन कीपिंग विद द क्वांटम नंबर हायरार्की, डी ऑर्बिटल एल बराबर 2 मस्ट हैव अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ एन बराबर 3 और हायर, सो 3d इज द लोअर एनर्जी डिसअपस्केल ऑर्बिटल्स इन द 4d सॉल्यूबल्स आर हायर देन 3d एंड द 5d आर लार्जर स्टिल। ठीक है,
जिस प्रकार 3s 4s, तो यानी डी ऑर्बिटल्स के लिए जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो कितना होगा? 3, क्योंकि डी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है? 2, ठीक है, तो एन की वैल्यू इससे ज़्यादा होगी 1, तो 3d से स्टार्ट होता है डी ऑर्बिटल्स। क्लियर? ये क्रॉस सेक्शन इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिफ्रेक्शन है डी ऑर्बिटल्स का, जिसमें दो परपेंडिकुलर प्लेन्स दिखाए गए हैं। क्लियर? आप देख सकते हो एक प्लेन तो ये रहा और एक ये रहा। इस पर साथ ही ये ग्राफ दिखाया गया जिसमें आप देख सकते हो कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है, नाभिक से दूरी बढ़ती जाती है, रेडियल डेंसिटी कर्व सबसे पहले पहले ऊपर जाएगा, सॉरी पहले बढ़ेगा, फिर शिखर पर पहुंचेगा, फिर बाद में डिक्रीज होना स्टार्ट होता है लास्ट। ठीक है, ऑर्बिटल्स विद हायर एल वैल्यूज, वे ऑर्बिटल जिनके लिए एल की वैल्यूज 3 से ज़्यादा होती है, जैसे ऑर्बिटल विद एल बराबर 3 आर एफ ऑर्बिटल्स एंड हैव ए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ एटलीस्ट एन बराबर 4। ठीक है, अगर एल की वैल्यू 3 होती है तो कौन सा ऑर्बिटल होता है? अपना एफ ऑर्बिटल होता है, और जिसके लिए एन की वैल्यू कहाँ कौन से स्टार्ट होगी? 4 से, यानी जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो कहाँ कम से कम क्या होगा? 4। फिगर 7.19 शोज वन ऑफ द 7 एफ ऑर्बिटल्स, ईच ऑफ एफ ऑर्बिटल हैज़ ए कॉम्प्लेक्स मल्टी लोब शेप विद सेवरल नोडल प्लेन्स। ऑर्बिटल्स विद एल बराबर 4 आर जी ऑर्बिटल्स बट दे प्ले नो नॉन रोलिंग केमिकल बॉन्डिंग। अब देखो यहाँ पर जो एफ ऑर्बिटल्स के जो 4fxyz ऑर्बिटल की शेप दिखाई गई है, ठीक है, जो कि कॉम्प्लेक्स मल्टी लोब शेप है। क्लियर? तो इस प्रकार से शेप ऑफ ऑर्बिटल्स और एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं उसका हमने अध्ययन किया। ये रेफरेंसेज है। धन्यवाद।